पहले तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, सब अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाइए और गणेश जी की पूजा कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, गणेश जी आते हैं, अभी मेरे एग्जाम्स भी ओवर हुए हैं, तुमको हॉलीडेज भी मिली हैं थोड़े दिन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए गणेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लाइए, पूजा कीजिए उनकी और वो हमें ब्लेस करें, तो आगे पब्लिक हमें भी अच्छा लगे, पब्लिक को पसंद आए हम लोग। किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी, कैन यू टेल अस अबाउट रिगार्डिंग योर चाइल्डहुड मेमोरी, हाउ यू स्टार्टेड दिस गणेश चतुर्थी? आई स्टार्टेड टू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी व्हेन आई केम टू मुंबई। फर्स्ट आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, दिल्ली इज लाइक नॉट मेनी पीपल आर सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी, बट दे आर सम पीपल। व्हेन आई केम मुंबई, सो माय डैड, सो बहुत सुना इधर गणेश जी के बारे में, बहुत इधर क्रेज है मुंबई में, सबसे ज़्यादा क्रेज है गणेश जी के बारे में, तो फिर हम हर साल अब फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years हर साल गणेश जी लाते हैं और हमारे ऑफिस में डैड मेरे रखवाते हैं और हम 5 days के हमारे गणेश जी होते हैं और आफ्टर 5 days उन्हें विसर्जित कर देते हैं। ओके, गणेश चतुर्थी जस्ट अ लॉट ऑफ डेकोरेशन यू हैव डन हियर, कैन यू टेल अस अबाउट रिगार्डिंग दिस डेकोरेशन, हाउ मच टेक टाइम फॉर दिस डेकोरेशन? इट टेक्स मोर देन 2 to 3 hours। इट इज़ बिकॉज माई डैड लव्स टू वर्शिप गॉड्स, भगवान में बहुत भरोसा रखते हैं मेरे पापा जी, अब मैं भी रखता हूँ कि भगवान आएंगे तो सब अच्छा ही होगा, आगे सब बेटर होना चाहिए। ओके, थोड़ा डेकोरेशन के बारे में बताइए, थोड़ा सा किस तरह का डेकोरेशन है, ये फ्लावर्स है, थोड़ा सा भी बताइए किस तरह की डेकोरेशन की गई है? फ्लावर्स है बहुत, मैंने चूज़ किया अलग अलग से, बहुत मार्केट्स में ढूंढ ढूंढ के फ्लावर्स चूज़ किए कि कौन से चाहिए स्पेशल, कलर्स बहुत मेरे को ढूंढने पड़े, मैं और डैड गए थे, मेरी मॉम भी गई थी साथ में, हमने 1-2 दिन पूरा शॉपिंग करी फ्लावर्स की और फिर ये कर्टेंस वगैरह लाया और फिर ये सब डेकोरेशन का सामान लाया, फिर डेकोरेट करा। ओके, स्वीट्स किस तरह की बनाई आपने, खुद घर पर बनाई गई या किस तरह का स्वीट्स पापा को भोग लगाया गया आज के दिन? जो भोग था मेन भोग वो हमारे घर पे ही बनता है हमेशा, भगवान गणपति पप्पा का, और घर पे रात को मेरी मम्मी ने बनाया, रात को जग के सब पेड़े एंड मिठाई जो भी मिठाइयाँ जो मेरी मम्मी ने और मेरे भैया हैं उन्होंने हेल्प करी मॉम की और फिर सुबह सुबह भोग चढ़ाया गया। इसके अलावा गणेश चतुर्थी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसी कोई विश आपने मांगी हो? हाँ, मेरा लास्ट ईयर भी मेरी हमेशा विश रहती है, मेरी हमेशा विश रहती कि मैं एक मूवी बनाऊँ, मैं एक एक्ट मेन एक्ट करूँ, और फिर कुछ 3 years पहले मैंने गणेश चतुर्थी में गॉड से बोला था ये काश मैं किसी मूवी में एक बहुत बड़ा हीरो बन जाऊँ, मेरे गणेश जी ने मेरी हेल्प करी और मेरे डैड ने मुझे एक ने मेन फिल्म में लिया, तो गणेश जी में आप बहुत भरोसा करते हैं? मैं बहुत भरोसा करता हूँ, मैं ही नहीं सभी बच्चे भी करते हैं। गणेश चतुर्थी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना, और ये एक खुशी का पर्व है जो हमारे बॉम्बई से लेकर के पूरे संसार में सब इसी को मनाते हैं। मेरा कहना यही है कि सब अच्छे से गणपति को लेके आएं, एंजॉय करें 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन करते हैं, क्योंकि गणपति जो हैं सो लाभ रिद्धि सिद्धि सभी को साथ लेके आते हैं, और सभी हमारे चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सभी को शुभ की भी ज़रूरत है, लाभ की भी ज़रूरत है, रिद्धि की भी ज़रूरत है, सिद्धि की भी ज़रूरत है, ज्ञान के भंडार हैं गणेश जी, तो गणेश जी का पूजन करें और खूब इंजॉय करें इसे। गणेश चतुर्थी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है गणेश चतुर्थी, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? मेरे लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जो सबके लिए रहता है, क्योंकि बिना ज्ञान के कभी भी मनुष्य का जीवन अधूरा ही रहता है, तो ज्ञान की सबको ज़रूरत है, और गणेश जी हमारे ज्ञान के भंडार हैं, उनकी पूजा से और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो मेरी भी वही ज़रूरत है कि गणेश भगवान मुझे खूब ब्लेसेस दें और खूब मेरे साथ में मेरी बुद्धि को तन को मन को हमेशा शुद्ध रखें। मैं 5 दिन हमारे गणपति भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं, और मैं 5 दिन में करीबन 18 से 16 घंटे प्रभु की सेवा में रहता हूँ, तो मेरी एक ही प्रार्थना रहती है कि जब तक जीवन रहे हम उनका प्रार्थना करते रहें, और मुझे ये सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहे, मैं हर साल गणपति जी को लेके आऊं और 5 दिन सेवा करूं। जब से मैं बॉम्बे आया हूं, जब से करीबन 8 साल 7 साल हो गए। ओके, इसके अलावा जैसे कि गणपति बहुत सारे गणपति मिठाई
बिठाए जाते पूरे मुंबई में जी, जिससे इको फ्रेंडली लोग बिठाए जिससे प्रदूषण ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही अपील करूंगा कि शुद्धता का हमेशा ध्यान रखें, प्रकृति को वातावरण को बिल्कुल शुद्ध रखें, शोर शराबा ना करें और गलत तरीके की हरकत ना करें। जिस तरीका से ड्रिंक करके कुछ गणपति में जैसे डांस वगैरह करते हैं, तो खूब हमारा प्रेम का त्यौहार है, अच्छे से प्रेम से इसको मनाएं और प्रकृति का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो हमारा स्वच्छ अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, जो सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारे स्वच्छता की सभी को ज़रूरत है। तो अच्छे से स्वच्छता का ध्यान रखें, खूब खूब प्रेम के साथ में और खूब हर्षोल्लास के साथ में अपने गणपति विसर्जन करें और खूब एंजॉय करें। गणपति बप्पा के जो भक्त लोग रहते हैं, मतलब कि इन टाइम में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाते हैं जी, मतलब अतरंगी क्लिक करते हैं, उसको क्या कहना? मैं यही करूँगा कि अच्छे से त्यौहार बनाएं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने का वो ना करें। कितने दिन के गणपति आप बताइए? हमारे 5 दिन के गणपति हैं, 5 दिन हम खूब एंजॉय करेंगे, खूब सेवा करेंगे उनके, खूब रात दिन भजन कीर्तन रहेगा हमारा। गणपति बप्पा की जो अगर मतलब कितना उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है, हम करीबन पूरे साल यही इंतज़ार करते हैं कि कब गणपति आएंगे और 5 दिन हमें जो बिताने को मिलेंगे उनकी सेवा में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है हमारे लिए जी। नमस्कार।